सज रही गली मेरी मात सुनर गोटे में, सज रही गली मेरी मात सुनर गोटे में, सुनर गोटे में रूपल गोटे में। एक बच्चा हुआ आगे, एक चांद का टुकड़ा आगे, एक बच्चा हुआ आगे, तुम खुश रहो आगे, नाम कमाओ आगे, दुनिया में नाम कमाओ आगे, इस देश का नाम कमाओ आगे, खूब पैसा कमाओ आगे। अरे जुग जुग जिए तेरा लाल, अरे जुग जुग रहे, चांद का टुकड़ा है, लेकिन एक बात का याद रखना, अगला बच्चा 5 साल बाद होना चाहिए। हाँ, तेरे धंधे का क्या होगा रामकली? मेरा धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा, अगर ऐसे बच्चे तुम लोग पैदा करते रहोगे तो इस देश का क्या होगा? तभी तो ऐसे बच्चे होते रहेंगे तो हम सबके सब तालियां बजाते रहेंगे। हाँ तालियां। अरे क्या हुआ रे? कौन है तू? कौन है? दिखता नहीं, आंखों में तेज, हाथों में बंदूक और घोड़े पे सवार डाकू सुंदरी नाम है मेरा। इस गांव पे तूने हमला करके अच्छा नहीं किया, जानती है? जानती है ये गांव भाई ठाकुर के साये में पलता है। चुप कर, चली जा यहाँ से, वरना मैं भी तुझे गोली मार दूंगी। धमकी किसको देती है? ये रामकली का सीना है, पत्थर का दिल रखती हूँ मैं, पत्थर का, चला गोली, लेकिन भाई ठाकुर तुझे दिनदारी तोड़ेंगे। भाई ठाकुर? भाई ठाकुर, कह देना अपने भाई ठाकुर से कि डाकू लाखन सिंह की बेटी जवान हो गई है। भाई ठाकुर की तो मैं नींदे हराम कर दूंगी। क्या कहा तूने? क्या कहा? अगर भाई ठाकुर के बारे में एक भी लफ्ज बोली तो मैं तुझे नहीं चल। लूट लो ये गांव, तबाह कर दो इस सारे गांव को। ठाकुर साहब, बाचरी गांव में डाकू ने हमला बोल दिया। क्या कह रहे हो? हमारे इलाके में डाका डालने की हिम्मत किसने की? कृष्णा, चलो जल्दी चलो। इस कमीने ने यह हरकत की है? ठाकुर साहब, वो कमीना नहीं, वो कमीनी थी ठाकुर साहब, अपने आप को डाकू सुंदरी कहती थी। उसने कहा भाई ठाकुर को कह देना
लाखन की बेटी जवान हो गई है, भाई ठाकुर की नींदें हराम करने आएगी। उसका बाप वरदा तो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन ये नहीं बचेगी। इसे पता नहीं है भाई ठाकुर से टकराने का अंजाम क्या होता है। कृष्णा, हुकुम ठाकुर साहब। गांव वालों का जो भी नुकसान हुआ है हवेली से लाकर इनको दे दो, समझ गए? जी ठाकुर साहब। भाई ठाकुर की जय हो, भाई ठाकुर की जय हो, भाई ठाकुर की जय हो। के बाल ले लो, बुड्ढी के बाल ले लो। सुनिए बाबा। हाँ क्या बात है बिटिया? बाबा मुझे प्रतापगढ़ जाने का रास्ता बताएंगे? हाँ बिटिया, सीधे जाके बाईं तरफ मुड़ जाना। थैंक यू। क्या प्रतापगढ़ में भाई ठाकुर क्या जा रही हो? जी हाँ वहीं जा रही हूँ। जा तो रही हो लेकिन। लेकिन क्या बाबा? उनके गुस्से को संभालना। बाबा इस मंदिर में इतना सन्नाटा क्यों है? वो तो भाई ठाकुर ही जाने। हाँ बेटिया। जा रही हो? मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। थोड़ी देर में दरबार लगेगा, वहीं मिल लेना। ओके। उई दैया, क्या बात है, किससे मिलना है? मेरा नाम अंजलि है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। भाई ठाकुर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा तो आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है? चल हटे। आप बैठिए, ठाकुर साहब अभी आते हैं। थैंक्स। हाय अंजलि, मैंने आपको फोन किया था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लेकिन आप तो कल आने वाली थी ना? हाँ वो एक्चुअली क्या हुआ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, थोड़ी देर हो गई।
जी नहीं, अभी मुझे कुछ खास काम के लिए बाहर जाना है। लेकिन सर सुनिए तो, लेकिन अभी साहब। हेलो, लगता है अपने आप को टार्जन समझता है। अरे क्या दरबार लगाया आज एकदम। भाई ठाकुर की जय हो, भाई ठाकुर की जय हो, भाई ठाकुर की जय हो। तो आज किसकी क्या क्या समस्या है बताओ जरा हमें। ठाकुर साहब, मेरे आधे खेत में मंगलू ने कब्जा कर लिया और वह अय्याशी का अड्डा बना दिया सरकार। शंकर जी। ठाकुर साहब, मंगलू को बुलाओ। अभी लाया। ठाकुर साहब की जय हो, सरकार की जय हो। और किसकी क्या समस्या है? ठाकुर साहब, मेरे गोदाम में से 50 बोरी अनाज गायब हो गया, अगर वापस नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कृष्णा जी, फौरन पता लगाओ इसका अनाज किसने चोरी किया है। जाओ। जी ठाकुर साहब। फिक्र मत करो, तुम्हारा अनाज तुम्हें जरूर मिलेगा। जय हो, ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मेरी समस्या बड़ी गंभीर है, न कह सकता हूं न छुपा सकता हूं। देखो भाई, दर्द छुपाने से और बढ़ता है। अच्छा, आप दिल की बात कह दो, खुलकर कहो। ठाकुर साहब, मेरी पत्नी लाजो, बंसी नाम के आदमी से उसके गलत संबंध हो गए हैं। लाख मना करने के बाद भी वो नहीं समझते। ठाकुर जी नहीं, ठाकुर साहब ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है। ये शराब पी के मुझे रोज मारता है, ना खाना देता है ना कपड़ा देता है। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। ठाकुर साहब मुझे तलाक चाहिए। खामोश, खामोश। ये तलाक लफ्ज जुबान पर दोबारा नहीं लाना। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में शादियां होती हैं, तलाक नहीं होते, समझी? बैठ जाओ, तुम तुम्हारी मुश्किल हल की जाएगी, बैठो। ठाकुर साहब, लेकिन अगर ये तलाक चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? ये अपने पति के जुर्म नहीं सह सकती, आप इसको तलाक की इजाजत क्यों नहीं दे देते? तुम शहर वाले इस बात को समझोगे नहीं। सुना है तुम लोगों के लिए तो तलाक एक खेल है, लेकिन ये हमारे गांव खेड़े का रीति रिवाज नहीं है। और भगवान करे तुम्हें कभी इस तरह का दर्द बर्दाश्त न करना पड़े। बैठ जाओ। अच्छे भाइयों बहनों, आज की सभा बर्खास्त होती है, जाइए आप लोग। अरे लेकिन ठाकुर साहब, वो इंटरव्यू। अभिनय, आज इंटरव्यू नहीं होगा तो नहीं होगा, बस। लगता है ये अपने आप को सच में टार्जन समझता है। ठाकुर साहब, ये रहा मंगलू। मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती की है? तुमने जमीन हड़प की है अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए। नहीं, नहीं। की है कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ ठाकुर साहब। वो जमीन फौरन खाली कर दो। हाँ। वरना बहुत बुरा होगा। हाँ। चलो। सुनिए, ठाकुर साहब ने कहा है आप यहाँ पे रुकना चाहती है तो रुक सकती हैं, आप यहाँ के मेहमान हैं। ओह थैंक यू। दीदी एक बात पूछो। पूछो। ठाकुर साहब से आप इंटरव्यू लेने आई हैं? ये इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू यानी मैं ठाकुर साहब के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। किस लिए? मैं कंपनी में काम करती हूँ, मॉडर्न प्रेस, और हमारी कंपनी एक किताब छाप रही है, ठाकुर्स ऑफ इंडिया। ओह। अच्छा बिंदिया, एक बात तो बता। इतनी बड़ी हवेली में ठाकुर साहब अकेले रहते हैं क्या? उनका परिवार कहाँ है? परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती। एनीवे, अच्छा यहाँ पे कोई घूमने फिरने की जगह है क्या? घूमने फिरने की जगह तो शहरों में होती है, वैसे जौनपुर गांव में एक नौटंकी है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? नौटंकी? ओ यानी कि वो नाचना वाचना। हाँ, चलो चलो चलते। लेकिन छुप कर जाना पड़ेगा। छुप कर? How exciting!
दीदी दीदी नहीं, क्यों? अरे ये कौन है? पता नहीं कौन है, ये लड़की कहाँ से आई है? ये तो पहली बार देखी गांव में। ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, भागो। हे, भाग रही वो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो। अब भाग के कहाँ जाएगी? ठाकुर रंजीत सिंह का शिकार बन के रह गया आज। रात को तुम लोग कहाँ से आ रही हो? एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए घूमने चले गए थे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। मैंने तुमसे नहीं पूछा है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक है। आइंदा से अपने आप को संभाल के रखना, क्योंकि तुम हमारी मेहमान हो, ख्याल रहे इस बात का। जाओ तुम लोग अब। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अरे कभी तो मुस्कुरा दिया करो। चार्जन। बेवकूफ कहीं के, लड़की को पकड़ नहीं पाए, भाग गई वो। जब से उस लड़की को देखा है हमारी नींद हराम हो गई। उसकी जवानी और हुस्न का जवाब, भागते हुए कैसे लचक रही थी कमर उसकी। यूं, यूं, यूं। और छोटे ठाकुर, वो दूसरी लड़की भी बहुत जोरदार थी। ठाकुर वो इस गांव की नहीं, किसी शहर की लगती है। कहीं की भी हो, वो दोनों गांव में आकर नौटंकी का मजा लेकर भाग गए और हम कुछ नहीं कर पाए तुम लोगों की वजह से। जाओ पता करो वो कौन है और कहां से आई। जाओ। दीदी, अगर कृष्णा ने ये बात ठाकुर साहब को बता दी तो गजब हो जाएगा। अरे यार, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ये तो बता, ये लोग थे कौन? ये ठाकुर दीवान सिंह का छोटा भाई रंजीत सिंह था और उनके साथी वो बहुत ही अय्याश और गंदे लोग हैं। अच्छा, ये इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? दीदी सोचो, अरे सोचो ना दीदी, अरे लेकिन सोचो, क्या हुआ सोचो, क्या? अरे Mm-hmm.
ये ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कभी कभी परेशान हो जाते हैं तो हवेली में ठहरने आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये मेरी किताब क्यों ले गए? दीदी सो जाओ ना। थैंक यू। ठाकुर साहब इंटरव्यू? आज नहीं, फिर किसी दिन। As you please, sir. You are the boss. बिंदिया, ये लोग जा कहाँ रहे हैं? कचेरी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जमीन का मुकदमा चल रहा है। किसके साथ चल रहा है मुकदमा? ठाकुर दीवान सिंह के साथ चल रहा है। ठाकुर दीवान सिंह वहाँ होटल बनाना चाहते हैं और भाई ठाकुर वहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं। स्कूल? That's cool. वक्त हो गया है, ये बचेगी नहीं हमारे हाथ से। चलो अरे कबरी लाल, तेरा आजकल दिमाग कहाँ है? तू नाखून काट रहा है कि उंगली? हाय दैया, अरे इतना बेसुरा गाओगे? अगर पैर नहीं कटेगा तो और क्या होगा? बेसुरा? आगे हम लोग बेसुरा गाते हैं? हमें मालूम है खबरी लाल, आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वो टेलर की बेटी है ना, उसके साथ में टाके लग रहे हैं। आगे भाई काट दिया, काट डाला, काट डाला। अरे दे तैयार से, अरे दे आप कल कटवा लूंगी जो भी कटवाना है। पैसे? पैसे? आगे पैसे मांग रहा है। अरे जब कमाओगी तब दे दूंगी ना। चल गए, ये भी चूने लगा गई। मेरे कहने से पहले बोली पैसे, लगता है मुझे भी तालियां बजाने पड़ेंगी। खबरी लाल, खबर चाहिए। खबरी लाल? खबरी लाल से क्या खबर चाहिए? एक शहरी लड़की का पता लगाना है। शहरी लड़की का? क्या इसके लिए शहर जाना पड़ेगा? शहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं आई हुई है। पता ये लगाना है कि वो कौन है और कहाँ ठहरी हुई है। पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन इसमें कुछ मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है? मैं इसी में काम चला लूंगा। ठीक है, काम जल्दी हो जाना चाहिए।
समझे? समझ गया। सनी द पम गरे जानी द पम गरे जानी नी द पम गरे मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। मैं 40 साल से ये दुनिया के अंदर आ गया है, इधर किसी का बाल काटने का नहीं। आजकल बाल बड़ा नहीं होता, पानी बहुत खराब जी। मैं बाल बाल काटने नहीं आया हूँ, घाघरा चोली का नाप देने आया हूँ। घाघरा? अरे तू तो आदमी है, फिर घाघरा चोली का नाप तेरे लिए? अरे अपने लिए नहीं, मैं अपनी होने वाली लुगाई के लिए। लुगाई के लिए? तेरे को चौकरी मिल गया क्या? मिल गया। वो कौन उल्लू का पट्टा है जो तेरे जैसे बकवास आदमी को चौकरी देगा? है किसी की बेटी, इसी बोलने की है। अच्छा, बहुत नसीब वाला, तेरे जैसे गधे को भी चौकरी मिल गया। हाँ, उसका मेजरमेंट लिखाओ। मेजरमेंट? मेजरमेंट लिखो। उसका शोल्डर कितना? शोल्डर बोले तो ये शोल्डर लिखो। तेरा? तेरा? मेरा? आपका नहीं, उसका। ऐसा बोलो ना, उसका शोल्डर का नाप है तेरा। और ये मेरा मतलब ये छाती, इसको सीना बोलता है ना, वो कितने जी? कितना सीना? कितना बोलना? 20। सीना 20? पागल हो गया क्या? मेरा मतलब 36। तेरा गिनती बहुत कमजोर है। 36 है, मेरे को मालूम है। तेरा शोल्डर तो सीना 36 होना। मैं भी शादी किया ना। अब कमर कितने जे? कमर बोले तो ये बोला, बोलो कितना माप है? 3। अरे जरा ठीक से इशारा कर। अरे जल्दी बोलो ना। अरे जरा ठीक से दिखा। क्या दिया? मेरा चौकरी का मेजरमेंट मेरे को लिखवाता है? मैं तेरे को चौड़ेगा नहीं, हजामत का बच्चा है। मैं तेरा बिना उस्तरे का हजामत करेगा ना? रेंडे पर कर तो ले पड़ा जे। अरे मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा घूम जा, ऐसा बोला मैं तेरे को? मेरा चौकरी का नाप मेरे को लिखवाता है, हराम कर। इन्हें पार कर तो ले नाप नहीं लिया, नीर लिया, इन्हें कारण तो प्रयाप करने को निकला है। चला जे, अकल का आपको ठिकाना नहीं, अंदर जाओ तुम। अरे मैं तो लड़की की चोली सिलवाने गया था, उसने तो मेरी चोली सिल दी, और दूसरे ने 100 का नोट देकर कन पट्टी में बंद रुक के बोला कि लड़की का पता लगा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? I'm very sorry. अरे देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्या मेरी बॉडी है स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ये देखो। आई श्योर थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। कहीं ये वही तो लड़की नहीं जिसके बारे में मुझे पता लगाने के लिए भेजा है? अभी पता लगा दो। हाय ठाकुर साहब, अरे ठाकुरों के ठाकुर भाई ठाकुर, अरे अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। ठाकुर साहब कहाँ हैं आप? अरे देखिए मेरी क्या हालत कर डाली। अरे क्या हुआ खबरी, गाय को गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। अरे मेरी हड्डी पसली टूट गई। क्या हो गया खबरी, ये दुर्दशा किसने की तुम्हारी? अरे ठाकुर साहब देखो क्या हालत कर दी, मेरी हड्डी का कुचुम्बर बना दिया। ठाकुर साहब एक लड़की वैन लेकर आ रही थी और मैं साइकिल लेकर जा रहा था, सामने से आई और मुझे उड़ाकर चली गई।
उसी ने मेरा ये हाल कर दिया। और हाँ, वो लड़की शहर की नहीं, मेरा मतलब है कि गांव की नहीं, शहर की लगती थी। ओ, तो ये वही होगी। अरे कृष्णा। जी ठाकुर साहब। उस लड़की को बुलाओ, वो जो रिपोर्टर। हाँ उसी को बुलाओ जल्दी। जी ठाकुर साहब। बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब यही है वो लड़की, यही है। इसकी दुर्दशा तुमने की है, बोलो। जी लेकिन देखो लड़की, ये शहर नहीं गांव है, समझी। यहाँ लोग बड़े आराम से, अमन चैन, सुख शांति से रहते हैं। यहाँ इस तरह तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाना। लेकिन ठाकुर साहब, इस खबरी की जो तोड़फोड़ हुई है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? मैं भरूंगी इसका हर्जाना, और अभी इसी वक्त। अच्छा, ये सब मेरी वैन से टकराने से हुआ है? ठाकुर साहब देखिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। नहीं ठाकुर साहब, मारना नहीं ठाकुर साहब, मैं आ रहा हूँ। कहाँ लगी तुझे चोट? मेरे दिल के अंदर लगी है, अंदर। अच्छा, अंदर लगी है, तेरा पीछे घूम। देखो यहाँ भी देखता हूँ। ये लो। और झुक जा, तेरी तो। अरे अंदर लगी है ठाकुर साहब। इसे इंटरव्यू दे दीजिए ताकि ये जाए। अब इसने सारा मूड खराब कर दिया है, इंटरव्यू क्या फिर कभी। देख लूंगी टार्जन। छोटे ठाकुर की जय हो, छोटे ठाकुर की जय हो। कहाँ है आपके पैर चुनने दो है। कहाँ कहाँ घुसने जा रहा है? अबे अंदर घुस जाएगा क्या? अबे खबरीलाल। हाँ ये बताओ लड़की कहाँ है? पर उस लड़की का पता लगा के आया हूँ, साथ में लात घुसे खा के हाथ धुलवा के आया हूँ। अबे ओ मनोज कहीं के, तेरे नाटक में अच्छी तरह जानता हूँ। ये बता लड़की किस घर में है, बता। बताता हूँ, वो लड़की भाई ठाकुर के घर में है। क्या? मैं सच बोल लिया हूँ। मनोज कहीं का भाई ठाकुर और वो लड़की के घर में। मजा आ गया। लीजिए दीदी। थैंक यू। अरे बिंदिया, आज घर में कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ गए सब लोग? कचहरी। कचहरी? ठाकुर साहब आप टेंशन मत लीजिए, कोर्ट कचहरी के अंदर तो बहस चलती रहती है। आप यकीन कीजिए केस हम ही जीतेंगे। झूठी तसल्ली देने से कुछ फायदा नहीं है वकील साहब। पता नहीं हम ये केस जीतते भी हैं कि नहीं। अगर मैं ये केस हार गया तो मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अरे तो फिर ये बाटली वाला किस दिन काम आएगा? वो जमीन आप ही को मिलेगी और वो जमीन पर होटल बनाने का ख्वाब आपका पूरा होगा जरूर। ये अनपढ़, गवार, जाहिल जानवर उस जमीन पर स्कूल बनाना चाहता है। काला अक्षर भैंस बराबर, शब्दों का ज्ञान नहीं लेकिन उस जमीन पर स्कूल बनाना चाहता है। ए ठाकुर दीवान सिंह, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना, नहीं तो तुझे क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा तू? चुप बैठ, तेरे गाल पे चूंटी मारू ना तो दूर टपके। चुप। अरे नहीं बच्चे, पढ़े लिखों की भाषा यही होती है। हमें इनसे सीखना चाहिए कि भाषा, अच्छी भाषा कैसे बोली जाती है। ये अंगूठा छाप, जिसे दस्तखत करना नहीं आता, गांव के हर आदमी को पढ़ाएगा लिखाएगा। जी स्कूल बनाना चाहता हूँ मैं। वाह 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 वाह, स्कूल का मतलब जानते हो? जो स्कूल का मतलब होता है
पाठशाला, विद्यालय, जहाँ विद्या प्राप्त की जाती है, जहाँ सरस्वती की उपासना होती है और जहाँ जानवर को इंसान बनाया जाता है। और बाकी रहा ये अंगूठे का लगाने का, उसका मैंने कुछ नया तरीका सोचा है। वो ये तरीका है जनाब, लीजिए इनके लगा दीजिए, लगा दीजिए इनके। हाँ लगा देता हूँ। आप बोलेंगे और नहीं लगाऊंगा, ऐसा कैसे चलेगा बा? तुमने मेरे कोर्ट पर हस्ताक्षर किया, मैं तुम्हारी जिंदगी पर मौत का हस्ताक्षर करूंगा। नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके कोर्ट पर हस्ताक्षर करने की? कैसे हुई हिम्मत? भाई ठाकुर ने हमारी बेइज्जती की है और ये फैसला होकर ही रहेगा। रुक जाओ रंजीत, रुक जाओ। इससे पहले कि कोई गलत कदम उठ जाए, हो सकता है कि हम पुलिस की नजरों में आ जाए, फिर उसके बाद बनता काम भी बिगड़ जाएगा। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, मेरे सीने में क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। जब तक मैं भाई ठाकुर के सीने में गोलियां ना उतार दूं, मैं जैसे नहीं जीऊंगा। रंजीत, दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। रंजीत समझो कि सब्र का फल मीठा होता है। कब तक सब्र करूं, कब तक? उस भाई ठाकुर ने आपको सबके सामने जलील किया और आपने उसको जिंदा छोड़ दिया। जिंदा नहीं छोड़ा मैंने उसको, पहले ही होने के नाते चंद साल से मैंने उसे भेंट की है। कानून को मैं अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, खत्म करूंगा मैं उसे। कैसे? सियासत की चाल से, सियासत की चाल से, सियासत की चाल से। नहीं मैडम, मैं अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं ले पाई। एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो आदमी तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं मौका मिलते ही उनसे बात करूंगी। ठीक है जी। नो नो, यू डोंट वरी एट ऑल, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। या जी हाँ, ओके। कुछ करना पड़ेगा। रंजीत सिंह, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तस्वीर में तुम्हें देख रहा था, ऊपर वाले ने क्या बनाया तुम्हें। चल काम की बात कर। हाँ ठीक है। देख सुंदरी, मेरा भाई पगला गया है, वो अपनी मर्जी के बिना कुछ काम नहीं करने देता। मेरे लिए तुझे एक काम करना है। बोल क्या काम करना है। भाई ठाकुर के वहाँ एक लड़की रह रही है, वो अपने आप को चालाक समझती है, उठा ले उसे। तेरा काम हो जाएगा। भाई ठाकुर को चोट पहुँचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को गलत नजर से देखने की कोशिश की। नहीं नहीं सुंदरी, नहीं, मैं गलत काम ही नहीं करता तो गलत नजर से देखूंगा कैसे? जब मेरी नजर कहीं और अटकी हुई है। तू जो है रंजीत सिंह, मैं तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। अगर किसी औरत को तुमने आंख उठा के देखने की जुर्रत की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम ठाकुर दीवान सिंह के भाई हो, समझे? समझ गया समझ गया। गुस्सा काहे का होती है? लेकिन गुस्से बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी। ए, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, इस घर में संगीत बजाने की इजाजत किसी को नहीं है, समझी? हमारे भाई ठाकुर को संगीत से सख्त नफरत है। संगीत से नफरत है? लेकिन संगीत तो दिलों की धड़कन है, इंसान का जीवन है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि इस घर में क्या करने की इजाजत है और क्या नहीं। तुम्हारे उस ठाकुर साहब का बस चले ना तो इंसान की सांसों पर भी पाबंदी लगा देंगे वो। अंजलि, ठीक कह रही हूं मैं? तुम भी उस ठाकुर के रंग में रंग गए हो, बताइए तुम इस मुर्दा हवेली में जीते कैसे हो? बस करो अंजलि, बस करो, एक लफ्ज़ ही मत निकालना अब। कल होली है और इस हवेली पर मातम छाया हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ठाकुर साहब के सीने में दिल ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है। अंजलि, दीदी
ठाकुर साहब ने होली खेलने की इजाजत दे दी है। तो सबके जवान लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है, लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है। मस्ती में खेलो यारो खुशियों की बहार है, मस्ती में खेलो यारो खुशियों की बहार है। अपने पराए आज देखो साथ साथ है, नो प्रॉब्लम। पकड़ो उसको बच न पाए होली का त्योहार है, होली है। लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है। शर्माती है, हाथ ना पकड़ मेरा, मुझको ना गले लगा। अरे रे रे रे, ये क्या कह रही है, लाल रंग करना तंग रंगीन है तमाम। होली है, लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है, लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है। हाँ मस्ती में खेलो यारो खुशियों की बहार है, मस्ती में खेलो यारो खुशियों की बहार है। रंग बरसे भीग चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीग चुनर वाली रंग बरसे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बाहों में भरूंगा मैं गले से भी लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम। मौका ये हसीन है ऐसे ना गवाऊंगा, खेल रंग मेरे संग अंग से मिला ले अंग। होली है, लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है, लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है। हाँ मस्ती में खेलो यारो खुशियों की बहार है, मस्ती में खेलो यारो खुशियों की बहार है। अपने पराए आज देखो साथ साथ है, अपने पराए आज देखो साथ साथ है। हाँ अपने पराए आज देखो साथ साथ है, अपने पराए आज देखो साथ साथ है। अरे पकड़ो उसको बच न पाए होली का त्योहार है, होली है। लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है, लाल पीली नीली आज रंगों की बौछार है। Yeah.
देखो कौन है लोग जिन्होंने हमारे इलाके में आके बदतमीजी की है। चम्मा चम्मा बाजेरी मेरी पैजनिया, रे चम्मा चम्मा बाजेरी मेरी पैजनिया, मेरे पास आओ तुम ताकों में दबाओ मेरी नीले उड़ा लो। चम्मा चम्मा बाजेरी मेरी पैजनिया, रे चम्मा चम्मा बाजेरी मेरी पैजनिया। अरे तू कौन री, तू कहाँ से आई है? अरे आई नहीं, आया हूँ। देख सुन, अगर हमारे जमात में आना है तो मुझे ऊँचे कटवा के आ, तो आ जाना हमारे जमात में। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वो टेलर है ना टेलर, अरे उसकी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आया है? अरे तुम्हारा आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद दे देंगे, जीते रहो खुश रहो, तुम्हारा काम फूले फूले, वो लड़की तुम्हें मिल जाए, तुम उसको मिल जाओ, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। जाओ जाओ खुश रहो, जाओ जाओ खुश रहो, बहुत खुश रहो। अरे बजाओ जोड़ी दुनिया मेरे नाम की, दुनिया चाहे कुछ भी बोल। सरे सन निदप मगरे सा, चमचम का आवाज किधर से आया जी? कोई सुंदर औरत मालूम पड़ता है जी। अय्या अय्या क्या करते हैं जी? ऐसा नहीं करने का, द्वारा ऊपर आओ जी। क्या काम जी? मुझे ऑफिस से काम है जी। मेरा काम जी? तो तुम्हारा नाम क्या जी? मेरा नाम कमलो है जी। तुम्हारे घर के अंदर कौन कौन जी? मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ जी। अच्छा अच्छा अकेली, इतना साल अकेली रही, मेरे को याद नहीं किया, आज पहली बार। क्या काम है मेरे लिए? मुझे आपसे घाघरा चोली सिलवाना है जी। अयो अयो, थोड़ा दूर खड़ा रह के बात करो, नहीं तो गड़बड़ होता है जी। हम मेजरमेंट लेते हैं, तुम देगी? हाँ दूंगी। तो फिर हम लेते हैं जी। छोड़ो अयो, मेजरमेंट बोला ना मैं लेता है, तुम नहीं देगी क्या मेजरमेंट है? नहीं। क्यों जी? मर्दों को मेजरमेंट नहीं देती जी। अच्छा, मर्दों को मेजरमेंट नहीं देती है, तो किसको देगी तुम? तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है क्या? बहू बेटी है जी, उसका इधर क्या काम कबाब में हड्डी। ठीक है मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, जाने का नहीं, पहली बार एक औरत मेरे दुकान में आया, ऐसे कैसे चला जाएगा जी? मैं थोड़ा सिलाई मारेगा, उसके बाद में जाना। अच्छा तो तुम किसको देगी मेजरमेंट है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी तो होगी ना? अब वो है, उसको बुलाओ तो उसको देगी तुम? हाँ दूंगी, बुलाओ ना। मुझे नहीं देगी? नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत कड़क हो रहा तुझे। आइयो अम्मा। आइयो पा। तुमने नारद से बेटी करा? आइयो पा। देखो ये अम्मा है, वो मेरे को मेजरमेंट देने को मना करता है। ये लैब मेजरमेंट है, टैप से मैं लिखता हूँ, तुम मेरे को बोलो क्या लिखने का है। पहले शोल्डर का मेजरमेंट लिया। ये क्या कर रही हो? मैं मर्दों के सामने मेजरमेंट नहीं देती। तुम मेरे सामने इसको भी नहीं देगी जी? नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ जी? आप ऐसा कीजिए, मैं अकेले में दे सकती हूँ। अकेले में? अकेले में इसको देगी? हाँ। तो फिर ठीक है ठीक है, अंदर लेके जाओ बेटा, इसको लेके जाओ अंदर। हाँ। और फिर संभाल के मेजरमेंट लेना, अब मेरे को बताना क्या क्या है। हाँ मैं इधर लिखता है। हाँ। जाओ जी, जाओ जी, चलो जी, जाओ जी। क्या झटका जी? तुम बेटा, तेरी बापू को कैसा भेसू बनाए? जाओ ना। आज मेरी जान, मेरी जलेबी, मेरी मलाईदार आइसक्रीम, एक चुम्मा दे दे गाल फुला के। ये बहुत टाइम हो गया, अभी तक कितना मेजरमेंट लेता है? मैं देखता है अंदर क्या गड़बड़ है। भैया तुम मेरे को चूना लगाया जी? हाँ, लड़की बन के मेरे घर के अंदर घुस के मेरी चौकरी को प्यार करता है, चूना लगाया?
मैं तेरे को कच्चा लगाएगा। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम चल गए यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम चल गए ओ ओ ओ यूं ही फिसल गए आ आ आ। उड़े थी उड़े थी उड़े। कुछ लोग दिन में एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग रात को। हेलो हेलो, होली के दिन मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैम साहब, शुक्रिया मेरा नहीं, भाई ठाकुर का अदा कीजिए, क्योंकि आप उनकी मेहमान हैं, इसलिए मैंने आपकी जान बचाई। तुम हमेशा भाई ठाकुर का ही जिक्र क्यों करते हो? तुम्हारा कोई अपना नहीं है क्या? नहीं मैम साहब, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भाई ठाकुर ने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाल पोस कर बड़ा किया है। मैम साहब, मुझे तो कोई हनुमान मंदिर की दहलीज पर छोड़कर चला गया था, भाई ठाकुर मुझे वहां से उठाकर लाए और आज तक उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। सॉरी, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। कोई बात नहीं मैम साहब। तुम मुझे ठाकुर साहब के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं मैम साहब, मैं आपको ठाकुर साहब के बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अगर मेरे बारे में आप कुछ जानना चाहती हैं तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। बाय द वे, कभी कभी मुस्कुरा तो दिया करिए टार्जन। Thank you.
अच्छा अर्जुन, कृष्णा के इतने नजदीक जाना आपका ठीक है? ये क्या कह रही हो? आपको पता है वो आपसे प्यार करने लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल को आप चली जाएंगी तो उसका क्या होगा? फिर एक भाई ठाकुर पैदा हो जाएगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया मेरे काम कर देगी प्लीज, मुझे ठाकुर साहब के कमरे में ले चलेगी। दीदी, पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे। अच्छा तो जब ठाकुर साहब घर में नहीं हो तब तो ये काम हो सकता है ना? हाँ ठीक है। कल, कल तो कोर्ट की तारीख है ना, कल ये हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। यस। जी बाटले वाला, कुछ भी हो जाए मुझे एक केस जीतना है। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब,
मेरा नाम बाटले वाला है। मैं गवाहों को इतने सवाल पूछता हूँ कि मेरे सामने अच्छे अच्छे गवाह घबरा जाते हैं और उल्टा सुल्टा जवाब दे देते हैं। वकील साहब, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी बाजी उल्टी पड़ सकती है। अगर हम ये केस हार गए तो आप चिंता मत कीजिए साहब, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें इस केस के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। क्या हम जज को नहीं खरीद सकते? ठाकुर साहब, वो जज तो बहुत ही ईमानदार और शरीफ इंसान है, और वैसे भी इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला जज बिकाऊ नहीं होता। बिकाऊ नहीं होता नहीं जज, लेकिन हम भाई ठाकुर के वकील को तो खरीद सकते हैं। दीदी, मैं यहाँ बाहर खड़ी रहती हूँ, आप अंदर चले जाइएगा। दीदी, आप जल्दी आइएगा। ठीक है। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई, मुझे तो अपने वकील पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन भाई ठाकुर, मुझे लगता है कि केस हम ही जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, कब जीतेंगे? बगैर सुनवाई के अगर इस तरह तारीखें बढ़ती गई तो केस जीतने में तो बरसों लग जाएंगे ना। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी इस केस का फैसला हो, मैं उस जगह पर जानकी के नाम का स्कूल बना दूं। कौन है? कौन है वहाँ? इस तरह छुपकर यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये फोटोग्राफ किसका है? खामोश। इस तस्वीर की तरफ उंगली नहीं करना। यहाँ आने की जरूरत कैसे की? हाँ? कृष्णा। जी ठाकुर साहब। इस लड़की को इस वक्त प्रतापगढ़ की हदों से बाहर छोड़ाओ, दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। जाइए यहां से, सुना नहीं, जाइए यहां से। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात तो सुनो, कृष्णा प्लीज मेरी बात तो सुनो, कृष्णा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। कृष्णा, मैं सिर्फ वो तस्वीर के बारे में। तस्वीर वस्वीर मुझे कुछ नहीं सुनना है, बोला ना, निकल जाओ यहाँ से। कृष्णा, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, भाई ठाकुर ने बोल दिया ना, बस। 5 मिनट। दीदी चली गई, बहुत बुरा हुआ। उसके साथ तो यह होना ही था, उसने गलती ही ऐसी की थी कि उसे यहाँ से जाना पड़ा। मैंने ठाकुर साहब के कमरे तक पहुँचाया था, मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो ठाकुर साहब के बारे में कुछ जानना चाहती थी। ठाकुर साहब के असूलों को जानते हुए भी तुमने ऐसा किया? अगर आइंदा तुमने ठाकुर साहब के असूलों को तोड़ने की कोशिश की तो तुम भी इस हवेली से गई समझो। मैंने कहीं तो देखा है।
कहाँ देखा है? वाह! क्यों बे शहरी लड़की, उस दिन तो तू भाग गई थी ना, लेकिन रंजीत सिंह आज तेरे पंख काटेगा, फड़फड़ाएगी पर उड़ेगी नहीं। हाय, पकड़ो इसे, पकड़ो! क्या बात रही थी? रंजीत, लड़की को क्या छोड़ता है? लड़ा तो मुझसे लार मुझसे। आवाज नहीं। मैं बता दूं लड़ा किसे कहते हैं? क्या? ठाकुर साहब अनर्थ हो गया। ठाकुर साहब, ठाकुर है ठाकुर, भाई ठाकुर, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो। अनर्थ हो गया ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? दीवान सिंह के लोगों ने ये हाल किया ठाकुर साहब, और वो लोग ने उस लड़की को उठा लिया ठाकुर साहब। कौन सी लड़की को? अंजलि को। अंजलि को उठा के ले गए तो मैं क्या करूं? ये क्या कह रहे ठाकुर साहब, उसे बचा लीजिए ठाकुर साहब। क्यों बचा लूं उसको? ठाकुर साहब, वो आपकी मेहमान के साथ हमारे गांव के भी मेहमान है ठाकुर साहब, आप तो लोगों की इज्जत के रखवाले हैं ठाकुर साहब, उसको बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत बोलिए ठाकुर साहब, कल तक जो गांव वाले आपको देवता मानते थे, आपको इज्जत देते थे, वही गांव वाले आपके ऊपर उंगली उठाएंगे ठाकुर साहब, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो उससे बचा लीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ये क्या कह रहे हैं? ठाकुर साहब आप इतने संगदिल कब से हो गए? मैं तो बचपन से ही यतीम था ठाकुर साहब, मुझे आपने पाल पोस कर बड़ा किया, और अगर आपके बाद मैंने किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ अंजलि है ठाकुर साहब, सिर्फ अंजलि। प्यार करता है मैं सब जानता था, लेकिन तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था कि तुम उसे प्यार करते हो। अरे प्यार करते हो तो जाओ बचाओ उसे, जाओ 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 जल्दी। ठाकुर साहब की जय हो, जल्दी जाओ, ठाकुर साहब की जय हो, भाई ठाकुर की जय हो, भाई ठाकुर की जय हो। उल्लू का पट्टा, प्यार करता है अंदर ही अंदर, बाहर आना चाहिए ना। ये लो जाने मन, तुम भी दो कश मार लो। अरे तुम्हें पसंद नहीं? चलो मुझे भी पसंद नहीं, फेंक दी मैंने। अच्छा तुम भी क्या याद रखोगी, दो गुट जाम के पी लो। मुझे नहीं पीना, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे जाने मन, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है, कैसे भागी थी तू, कैसे भागी थी? जाने मन, एक बार चिड़िया जब पिंजरे में आ जाती है तो सिर्फ फड़फड़ा सकती है, उठकर भाग नहीं सकती। भाई ठाकुर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई ठाकुर कहाँ है? कहाँ है भाई ठाकुर? बोला 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 बोला। भाई ठाकुर, भाई ठाकुर नहीं है तो क्या हुआ? उसके दो बाजू कृष्ण और शंकर तो हैं। रुक जाओ, ऊपर देखो तुम्हारी मौत खड़ी है, देखो। Yeah!
जानकी वापस नहीं आई। मैं उसकी याद में तड़पता रहता था कि शायद आज आ जाएगी। एक दिन पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली और उसी दिन से मैंने हनुमान जी के मंदिर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। ठाकुर साहब, लेकिन फिर आपके परिवार का क्या हुआ? परिवार, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अबे ओ वकील, मेरी बात सुन। कल कोर्ट के अंदर केस है, केस दीवान ठाकुर के हक में होना चाहिए जी। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरे को जिंदा मार दूंगा। कल अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वादी और प्रतिवादी के गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ठाकुर गजेंद्र सिंह और भाई ठाकुर के हक में फैसला सुनाते हुए प्रतापगढ़ की उस जमीन पर स्कूल बनाने की इजाजत देती है। मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब। बड़ा नाज था तेरे को अपनी वकालत पर। क्या कहता था मेरे से? जय दीवान सिंह जी, आप ये केस कभी हार ही नहीं सकते। मैं गवाहों से ऐसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता हूँ कि वो उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। यही कहा था ना, फिर आराम खोर, ये केस मैं कैसे हारा? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन लेकिन फिर भी मैं ये केस हार गया। वकील जी, वकील मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। आइंदा इस मोहल्ले में तो क्या, इस गांव में भी नजर आया ना, तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा जी। दाया से मैं इसका बदला लूंगा। जा जी। रंजीत, सुंदरी से कहो कि भाई ठाकुर जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार डालो आराम कोर को। ठाकुर दीवान साहब ने तुम्हें काम सौंपा था, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? भाई ठाकुर अभी तक जिंदा क्यों है? अगर तुझसे ये काम नहीं होता तो फेंक दे ये बंदूक और पहन ले चूड़िया। एक बात बोलूं, मेरे साथ घर बसाकर मेरे बच्चों की देखभाल कर, चल। रंजीत सिंह, एक गोली में भेजा फ्राई कर दूंगी, चला जा यहाँ से। भाई ठाकुर से मैं निपट लूंगी। भाई ठाकुर तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। सारी रात हम आज झूमेंगे गाएंगे नाचे सारी रात हम, ताक ना दिन ताता थैया। हम भी नाचे तुम भी नाचो छैया छैया। दुश्मन हारे, हमसे दुश्मन हारे, मात उसको दे दी हमने, दिन में दिखाए तारे, दिन में दिखाए तारे। मुश्किल से मिला है हमको मौका ये खुशी का, फूलों की बरसात हुई मजा लो जिंदगी का। आज झूमेंगे गाएंगे नाचे सारी रात हम, आज झूमेंगे गाएंगे नाचे सारी रात हम, ना दिन ताक ना दिन ताता थैया।
भी नाचे तुम भी नाचो छैया छैया। सारी रात हम आज झूमेंगे गाएंगे नाचे सारी रात हम ताक ना दिन ताता थैया। हम भी नाचे तुम भी नाचो छैया छैया ताक ना दिन ताक ना दिन ताता थैया। हम भी नाचे तुम भी नाचो छैया छैया ताक ना दिन ताक ना दिन ताता थैया। हम भी नाचे तुम भी नाचो छैया छैया अगना दिन अगना दिन ताता थैया। हम भी नाचे तुम भी नाचो छैया छैया। ठाकुर गजेंद्र सिंह ठाकुरों के ठाकुर कहलाने वाले भाई ठाकुर, तुमने जीत का तो जश्न बहुत मना लिया, अब तू अपनी मौत का मातम भी मना। दिलवाले मौत का मातम नहीं मनाते, मौत से खेलते हैं। पर सुना, तुम्हारे बाप का कत्ल मैंने नहीं किया, बदकिस्मती थी मेरी कि अपने खानदान के कातिल लखन सिंह को मैं नहीं मार सका, वो कमबख्त किसी और के हाथों मारा गया। झूठ कहता है ठाकुर तू। ये सच है सुंदरी, भाई ठाकुर ने लाखन को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? ठाकुर दीवान सिंह ने। अपनी बहन की मरने की खबर सुनकर मेरे हाथों लाखन के पास पैसे पहुंचा है। भाई ठाकुर के खानदान को खत्म करने के लिए मैं उस घड़ी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे मुन्ना, भगवान कसम, तू कितना प्यारा है रे। दिल करता है एक बार नहीं तुम्हें 100 बार चूमूं। पता है क्यों बच्चे? भगवान का हाय 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 दूसरा रूप होते हैं, और बच्चे हम जैसे हैवानों से कभी नहीं डरते। और कान खोल के सुन, जो डरते हैं सो मरते हैं। पर तू पता है क्या होगा? किसने किया है सब? ठाकुर लाखन सिंह ने। लाखन सिंह,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू अब नहीं बचेगा। लखन, बता बता परिवार को क्यों मारा? कमबख्त, और इसी तरह दीवान सिंह ने तुम्हारे पिता को मार डाला। आज तक मैं गलतफहमी की शिकार थी, लेकिन मेरे बाप के कातिल ठाकुर दीवान सिंह को नहीं छोड़ूंगी। बात समझ में आ गई ना कि किसने क्या किया है? तुम्हारे खानदान का कत्ल तुम्हारे बाप ने किया था दीवान सिंह के कहने पर। एक नसीहत करता हूं, खून खराबे का मतलब खून खराबे के सिवा कुछ नहीं। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, पर नहीं रही आपकी तलवार, दीवान सिंह का पीछा शुरू कर दीजिए। लीजिए। मैडम। हाँ। अरे अंजलि, तुम बैठो। तुमने तो फोन करना ही बंद कर दिया, आज बिना खबर दिए ही चली आई। जिस काम के लिए गई थी वो पूरा हो गया। अच्छा। इसलिए अचानक वापस आ गई। वैसे मैडम, आपका नाम क्या है? क्या क्या तुम नहीं जानती कि मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है और मैं मॉडर्न प्रेस की मालकिन हूं? जानती हूं, लेकिन आपका असली नाम क्या है? अंजलि, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है और मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। आपका नाम जानकी देवी है और आप ठाकुर गजेंद्र सिंह की पत्नी हैं। अगर तुम हकीकत जान ही चुकी हो तो ये सच है कि मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह की पत्नी जानकी देवी हूँ। और ये भी सच है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू लेने के बहाने उनकी जानकारी लेने के लिए भेजा था। क्या वो अब भी वैसे ही हैं? यानी कि अनपढ़, गवार, जाहिल, शराबी। आप जानती हैं ठाकुर साहब आपकी याद में कितना तड़पते हैं, और अब वो जाहिल भी नहीं रहे, हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ना जानते हैं। और आप जानती हैं, जब से आप यहां आई हैं उन्हें छोड़कर उन्होंने आज तक उस हनुमान मंदिर में पूजा नहीं की। आज तक उस मंदिर के पट बंद है। आपकी शादी भी हनुमान जयंती के दिन ही हुई थी ना? और जानकी देवी, कल हनुमान जयंती है। क्या कह रहे हो? किसने गुस्ताखी की है?
कौन हो तुम? जानकी, तुम जिंदा हो? बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने कभी आपकी अंतरात्मा में झांक कर नहीं देखा, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि एक अनपढ़ गवार कितना महान हो सकता है और एक पढ़ा लिखा कितना गवार हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिए। जानकी, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। जिस दिन से तुम गई हो, मैंने दरवाजे, इस मंदिर के दरवाजे मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए थे, और आज तुमने इस मंदिर के दरवाजे खोलकर ये बता दिया कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। जानकी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे छोड़कर कभी मत जाना जानकी। तो हमारी बहन जिंदा है, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन भाई ठाकुर ने वापस उसको अपने शिकंजे में फंसा लिया है और दोनों एक साथ मिलकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा दुख पहुंचा है। मंदिर में पूजा करना उनका काम और विघ्न डालना हमारा काम। भाई ठाकुर, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी है, सुंदरी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे रास्ते से हट जा। तेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन एक है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू झूठ बोल रहा है दीवान सिंह। तेरा राज खुल चुका है। मेरे बाप का कातिल भाई ठाकुर नहीं तू है। ये झूठ है सुंदरी, ये झूठ है। हट जा मेरे रास्ते से। ये झूठ नहीं, हकीकत है। मैं अपने दुश्मन को मौत की आगोश में सुला दूंगी और आज तेरा भी यही हशर होगा दीवान सिंह। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फुदक रही थी यार, बहुत फुदक रही थी। चलो जल्दी चल।
हिम्मत की? किसने हिम्मत की रंजीत सिंह का रास्ता रोकने की? बाहर निकल, बाहर निकल। जानकी, इस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, फिर भी तुम इसका साथ दे रही हो। मैं इस कुत्ते को। नहीं ठाकुर, आगे मत बढ़ना। इस समय भाई ठाकुर पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं। हर बार इस आदमी ने मुझे मात दी है, आज मैं इसको मौत दूंगा। हिम्मत है तो निकल बाहर, निकल। जानकी, 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 रामकली, रामकली, भाई राम ठाकुर की ये दीवान सिंह, खून खराबे का नतीजा खून खराबा ही होता है। देख, आज मुझे भगवान ने बहुत कुछ लौटा दिया है,
जा चला जा यहां से, जा। कहा था ना खून खराबे का नतीजा, खून खराबे का नतीजा, खून खराबा होता है, खून खराबा होता है, खून खराबा होता है, खून खराबा होता है।